वेलकम टू द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ उदयपुर। चाय चाय लेके आओ मेरी चाय, अदरक वाली चाय। चलते हैं आगे जयपुर की तरफ, लेट्स गो। हम कुछ दिन तो रहेंगे, एक्सप्लोर करना जरूर चाहेंगे। ब्यूटीफुल सिटी, छोटा सा ट्रिप था, बट बिफोर वी गो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब। Alright, so, रात के 2:15 हो रहे हैं, फाइनली हम पहुंच गए। एंड मैं सोचा नहीं था आज हम उदयपुर तक पहुंचेंगे। सैंडी, ब्रावो, गुड जॉब करण। थैंक यू। ऑलराइट, आइए, वेलकम टू उदयपुर। उदयपुर में आपका स्वागत है। दिस इज आवर रूम, साथ वाले पे है ये रूम। इट्स अ ब्यूटीफुल रूम, कुछ अलग टाइप का डिजाइन लेआउट है इसमें। एंड यू हैव दिस क्यूट सोफाज, वेयर यू कैन सिट, ग्रैब योर कॉफी। रात के 2:30 बज रहे हैं, सो हम थोड़े से थके हुए हैं, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू शो यू गाइस द रूम। एंड दिस इज द बेडरूम, इट्स अ स्वीट हियर। तो अभी हम सोएंगे, ऑब्वियसली थक चुके हैं, बट एक सेकेंड, हमको ये तो करना ही है। यस, सी यू टुमारो, सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। हम फाइनली रात को 2 बजे पहुंच गए उदयपुर, एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द होटल, लुक्स ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट, बहुत भूख लगी है, और फिर हम चलेंगे, चलो दिल्ली। यू मस्ट ट्राई दिस लाइक दिस पराठा, तवा पराठा। सो आई एम एक्साइटेड टू ईट उत्तपम, हर जगह जाते हैं खाते हैं। मेरी चाय आई थिंक अंदर हाय करने आई है। यस, आई एम फॉन्ड ऑफ जिंजर टी आल्सो। ओह माय गॉड। तो अब शुरू होगा चाय का सिलसिला। होटल में जितनी भी चाय थी वो एक एक कप करके आ रही थी यहाँ पे सैंडी के टेबल पे। कितने, आई थिंक 299 वाली चाय है ना। हावर जॉनसन की पूरी टीम लग चुकी थी सैंडी के लिए टेस्टी खाना बनाने में और गर्मा गर्म चाय लाने में। एक के बाद चाय के कप आए जा रहे थे। तो अभी चाय का सिलसिला शुरू होगा। मैं सबको एक वार्निंग भिजवा देता हूँ कि चाय खत्म होने वाली है होटल में। सैंडीज गोना हैव सो मेनी। इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट्स। वाओ, देन यू गेट द फ्लेवर एंड यू गेट द फील ऑफ द इंडियन टी। अगर इफ समबडी कम्स हियर, व्हाट विल बी वन टॉप प्लेस रिकमेंडेशन, कहां पे जाना चाहिए, एक जगह ऐसी कोई? एक जगह जहां जानी चाहिए यार, मैं तो उदयपुर से ऑलमोस्ट सारी जगह अपने अपने आप दूसरा देखा ही भी है। जाए सिटी ऑफ लेक है तो लेक सर, लेक सर, या पिछला लेक इज देयर, सो जग मंदिर एंड ऑल दिस प्लेसेस। तो यदि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को अबाउट द प्रॉपर्टी, जो आना चाहते हैं, आके जा चुके हैं या फिर रीकंसीडर कर रहे हैं, वी शुड कम टू उदयपुर फॉर शॉर्ट। तो आप उन्हें क्या? और जनसन सर, वेरी डिफरेंट प्लेस हमें एक्चुअली। द यूनिक पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज द पूल साइड का रूफ टॉप है। एक्सपीरियंस किया सुबह। तो ये देहरादून से, और हमको बता रहे थे कौन सी जगहें जानी चाहिए। तो अभी आप बताइए कौन सी जगहें देखनी चाहिए देहरादून में। जी सर, अगर देहरादून में आप घूमने जाएंगे, वैसे पिकनिक पॉइंट तो बहुत सारे हैं वहाँ पे, एक दिन में आप घूम नहीं पाएंगे। तो आपको मेन मेन पॉइंट बता दूँ तो एक हमारा मैगी पॉइंट है। अच्छा, एक मैगी पॉइंट। राजपुर रोड है। छोटा सा उदयपुर ट्रिप एट हो जो हावर्ड जॉनसन। ऑलराइट, और अभी हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, लेकिन वापस आने के टाइम, यस, वापस आने के टाइम यहाँ पर हम कुछ दिन तो रहेंगे, एक्सप्लोर करना जरूर चाहेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, और सरप्राइजिंगली हम कभी नहीं आए यहाँ पे, है ना सैंडी? वेलकम टू द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ उदयपुर। यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली, और उसके बाद वापस आएंगे इस ब्यूटीफुल सिटी को एक्सप्लोर करने।
छोटा सा ट्रिप था, बट बिफोर वी गो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। उदयपुर से हम निकले लगभग 11:30 बजे, हमको पहुंचना है आज दिल्ली। क्या हम पहुंच पाएंगे, देखते रहिए। सो जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से हाईवे सिर्फ 0.5 किलोमीटर दूर था। अब हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 58 और यहाँ से अगला डेस्टिनेशन जयपुर होगा, जयपुर से आगे गुरुग्राम। यस आदे। तो अब हम हाईवे पहुँच चुके थे और पर्सनली मुझे राजस्थान के जो रास्ते हैं वो बहुत अच्छे लगे, ड्राइव करने का मजा ही कुछ और था इन पे। जी अभी सैंडी कुछ पीनी है, चाय चाय चाय। हाँ दे है somebody's drinking चाय। और सैंडी ने देख ली वहाँ पे चाय, सैंडी ले चाय चाय लेके आओ मेरी चाय, अदरक वाली चाय। हाँ हाँ अदरक चाय, हाँ small small लेके आऊँ मैं दूसरा, यही है ना। हाँ। बस बस हाँ एक ही दे दीजिए, सिर्फ एक। हाँ सिर्फ एक क्योंकि मैं ही पीऊँगी। हाँ आप ही पियोगे चाय। बहुत अच्छी हवा है, सैंडी ने चाय पी ली, मेरे कपड़े ना उड़ जाए ऐसा लग रहा है। सो चलते हैं आगे जयपुर की तरफ, लेट्स गो। सैंडी बाहर हवा बेहतरीन है, बेहतरीन नहीं बहुत ही सुंदर हवा है। नहीं नहीं बहुत ही धमाकेदार हवा है, तो उड़ा ले जाएगी क्या? ऐसे लगा मेरे शर्ट भी उड़ के चली जाएगी, इतना धमाकेदार है। देखो मेरे बाल भी ऐसे उड़ उड़ के बाहर आ गए। अच्छा, are you saying कि I should experience? नहीं नहीं कोई नहीं, मेरी चाय उड़ जाएगी। चाय उड़ जाएगी। चाय पीने के बाद हम इन प्यारे प्यारे रास्तों पे आगे बढ़ते गए, लेकिन हमको पता नहीं था कि हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आगे इंतजार कर रहा है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं शिव जी की जो बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है वो हमको दिखी। जी हाँ, हमको उसके दर्शन हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम अंदर तो नहीं जा पाए क्योंकि हमको नोएडा पहुँचना था, बट दिस वॉज एपिक। हम उसको इतने पास से देख पाए, इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था अजमेर, जो यहाँ से लगभग 225 किलोमीटर दूर था। अभी हम जा रहे हैं भिलवाड़ा वाले रोड से, और भिलवाड़ा से हम कुछ 20 किलोमीटर दूर हैं। रास्ता बहुत अच्छा है, प्यारा है, बस खाने के लिए कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। भूख लग रही है तो होपफुली आगे कुछ खाने के लिए मिल जाए। ब्यूटीफुल प्लेस है ना, क्या टैलेंट है ना, क्या बैलेंस, कितना अच्छा है। अरे अरे, तो एक छोटे से सेल्फी ब्रेक के बाद हमने अपनी जर्नी वापस शुरू की। अब आप देखेंगे कि टोल के बाद टोल, टोल के बाद टोल आते जाएंगे आते जाएंगे। रास्ते बहुत खूबसूरत थे, बस एक चीज की कमी थी और वो थी अच्छी जगहें खाना खाने के लिए। 5 घंटे चलाने के बाद हम फाइनली अब पहुंच रहे हैं जयपुर के पास। जयपुर से आई थिंक हम कितने शायद 30-40 किलोमीटर दूर हैं, और अभी यहाँ पे रुके हैं, कॉफ़ी पीते हैं। लेट्स ट्राई न्यू प्लेस, रोज़ की जगह पे तो पीते ही हैं, यहाँ पे कोई नई जगह ट्राई करते हैं। Well, hi Sandy. Hi Sandy. Hi Curry. जयपुर में आपका स्वागत है। Thank you so much for welcoming me in Jaipur. और अभी आप कॉफी पिलाएंगे, love over coffee. चलिए कॉफी। चलिए। मंजिल तो अभी बहुत दूर थी, लेकिन एक कॉफी जरूरी थी।